मंत्री बनने के बाद पहली बार खंडवा पहुंचे प्रदेश के वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह का बीजेपी कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मंत्री विजय शाह ने पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर जमकर हमला बोला। मंत्री शाह ने दिग्विजय सिंह को नकली राजा तो पूर्व सीएम कमलनाथ को उद्योगपति बताया और ज्योतिरादित्य सिंधिया को असली राजा बताते हुए सिंधिया की तारीफ की। इस वीडियो में आप खुद ही सुन लीजिए कि प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह किस तरह कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। मैं कोविड की मीटिंग करने आया हूं। ये कांग्रेस वांग्रेस अगर ढंग से काम करती तो ये कोविड पहले ही काबू हो गया होता। कमलनाथ जी अपनी व्यवस्था में लगे रहे और इसलिए मुझे उस टॉपिक में मैं अभी बात नहीं करना चाहता। हमारा काम है राजनीति के माध्यम से जनता की सेवा, जो हम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। सिंधिया जी ने कहा कि नकली राजाओं को राजा वाजा नहीं, राजा तो सिंधिया जी बोले, नकली राजाओं और व्यापारी भाई चल नहीं पा। राजा का अपमान, प्रजातंत्र का भी राजा है और जनता का भी राजा है। काम ये बता रहे कि हम लोग माँ के पेट से भी और जनता के वोट से भी जीत गया। सिंधे जी ने अपमान बर्दाश्त नहीं करी है। दो साल कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ खंडवा जिले के लिए भी और इस प्रदेश के लिए भी कि जितने वादे शिवराज जी ने और सिंधे जी ने किए हैं वो सारे वादे कोविड के बावजूद आपका से आमदनी नहीं है, परिवहन से आमदनी नहीं है, सब कुछ ठप है। लेकिन उसके बाद भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि किसान के और गरीब के चेहरे पर आंसू नहीं आने देंगे। एक से एक। इस वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस यूपी को सब्सक्राइब कीजिए।